हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल सुनील कुमार क्रिएटिव स्टाइलिस्ट। आई एम सुनील। और गाइस, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा और उससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ। सो गाइस, कभी कभी होता यह है कि मैनिक्योर के ऊपर ही रिलेटेड है आज हमारी वीडियो कि समटाइम्स क्या होता है कि हम कोई रॉन्ग शैम्पू, बाई मिस्टेकली हम कोई शैम्पू यूज़ कर लेते हैं और आफ्टर द हेयर वॉश आपका मैनिक्योर क्या हो जाता है, बिल्कुल स्टक हो जाता है, बिल्कुल स्कैल्प पे बाल चिपक जाते हैं। तो हम बिल्कुल घबरा जाते हैं, अब क्या करें यार। बहुत सारे लोगों की मैनिक्योर तो ख़राबी हो जाती है, वो बिल्कुल उसको फेंक देते हैं और उसका कोई यूज़ नहीं होता है। वो बोलते हैं सारा मैनिक्योर ख़राब हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट क्या करें, इन सारी चीज़ों को हम कैसे बच सकते हैं इन सारी चीज़ों से, आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं हम कि मैनिक्योर की, कि हम कैसे अपनी मैनिक्योर को मेंटेन कर सकते हैं या ऐसी सिचुएशन ना हो तो हम क्या अपना प्रयास रख सकते हैं। मार्केट में दो तरह की मैनिक्योर आती है, एक तो ब्रांडेड होती है और एक नॉन ब्रांडेड होती है। नॉन ब्रांडेड में आपकी आती है सिंथेटिक, फाइबर मिक्स, एनिमल हेयर की मैनिक्योर होती हैं जिन्हें हम नॉन ब्रांडेड कहते हैं। ब्रांडेड होती हैं आपकी जैसे कि जो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिशन पर्पज़ से यूज़ होती हैं, जैसा कि आपका पिवट पॉइंट हो गया, जैसे कि आपकी OMC अप्रूव्ड हो गई, तो ये मैनिक्योर आपकी 100% ह्यूमन हेयर होती हैं और ब्रांडेड होती हैं। तो ब्रांडेड मैनिक्योर में सारे रख रखाव जो होते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन उसमें, सावधानियां उसमें लिखी होती हैं कि आपने ऐसे पानी से वॉश करना है, ऐसे आपने शैम्पू को यूज़ करना है, ऐसे आपने उसमें पिक्चर भी मेंशन होती है कि कैसे आप इसको आपने इसको मेंटेन रखना है। बट बाकी नॉन ब्रांडेड में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होता है कि आपको वहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं या वहाँ पर कुछ सावधानियाँ लिखी हुई हैं कि आपने उसको ऐसे मेंटेन करना है, ये शैम्पू यूज़ करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होता है। आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों कि क्या होता है। समटाइम्स में भी आप कई लोगों के साथ में ऐसा हो चुका होगा या आगे लोगों के साथ हो सकता है, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आप सभी लोगों को। अब क्या होता है, हम कई बार शैम्पू कैसे करना है यह हमने YouTube पे वीडियो भी बनाई हुई है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि हाउ टू वॉश हेयर मैनिक्योर। बाकी आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कभी आपसे रॉन्ग शैम्पू हो जाता है बाई मिस्टेकली या किसी भी रीज़न की वजह से आपकी डम्मी स्टक हो जाती है, सारे बाल स्कैल्प पर चिपक जाते हैं, कहीं से खुलने का रास्ता नहीं मिलता, तो फिर हम उसको कैसे ओपन करें। ठीक है, आज का वीडियो इसी के ऊपर रहने वाला है, होता क्यों है पहले उसके ऊपर बात करते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम रॉन्ग शैम्पू यूज़ कर लेते हैं और रॉन्ग शैम्पू यूज़ करने मीन्स कोई भी हार्ड शैम्पू आपने मैनिक्योर के ऊपर नहीं वॉश करना होता है। आप जो भी शैम्पू यूज़ करें वो माइल्ड होना चाहिए, स्मूथनिंग स्मूथ हेयर के लिए होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, माइल्ड होना चाहिए, या बेबी शैम्पू भी आप यूज़ कर सकते हैं मैनिक्योर के लिए। वो क्या करता है, आपके स्प्रे एंड डस्ट एंड पॉल्यूशन को सब कुछ निकाल देगा, मे बी जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं आपकी मैनिक्योर हेयर में उसको निकाल देता है, बाकी आपके मैनिक्योर का हेयर का नेचुरल जो मॉइस्चर है उसको वो मेंटेन रखता है। प्लस कंडीशनर आप कोई भी प्रोफेशनल कंडीशनर आप यूज़ कर सकते हो, उसे अच्छे से अप्लाई करें, फिंगर कॉम करें, और जब भी शैम्पू आप करते हैं बालों को तो फिंगर कॉम करके आपने नेचुरल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे आप क्लाइंटेल का वॉश करते हो शैम्पू स्टेशन में, ऐसे ही आपने स्टैंड पे रखना है। सपोज ये स्टैंड है तो आपने स्टैंड को क्या कर लेना है, मीन्स इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट कर लेता हूँ। ये हमने जैसे हम सैलून में मीन्स क्लाइंटेल के ऊपर हम हेड वॉश करते हैं ऐसे, देन आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्या करना है, हेड वॉश करना है, इसको गोल गोल नहीं घुमाना। पहली मिस्टेक आप क्या करते हैं कि मैनिक्योर को जब आप वॉश करते हैं, पानी डाला आपने, शैम्पू लिया और इसको बिल्कुल ऐसे क्लाइंटेल की तरह ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे में क्या हो जाते हैं, सारे बाल घूम घूम के और उलझ जाते हैं आपस में, और वो बिल्कुल जैसे आप ठंडा पानी डालते हैं उसको या रिंस आउट करते हैं तो वो सारे कोल्ड टेम्परेचर में क्या हो जाते हैं, वो बिल्कुल जकड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ में। और साथ साथ में आप रॉन्ग शैम्पू यूज़ कर रहे हो, मीन्स क्लिनजिंग शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं, या ऑयल फ्री शैम्पू मीन्स जो ऑयल को रिमूव करते हैं वो शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, आपके हेयर को बिल्कुल जकड़ देता है, मीन्स बिल्कुल ड्राई कर देता है, हेयर के क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं जिसकी वजह से वो आपस में चिपक जाते हैं और खुलते नहीं हैं। ठीक है,
सो कोई भी आपने हार्ड शैम्पू नहीं यूज़ करना, एंटी डैंड्रफ शैम्पू नहीं यूज़ करना आपने, आप माइल्ड शैम्पू यूज़ करें और स्मूथ हेयर के लिए, लाइक जैसे कि हम रिबॉन्डिंग स्मूथिंग शैम्पू जो रिबॉन्डिंग करते स्मूथिंग करते तो उनके लिए भी शैम्पू आते हैं स्पेशली फॉर द स्मूथनिंग हेयर, फॉर द रिबॉन्डिंग हेयर, फॉर द स्मूथ हेयर, फॉर द ड्राई फ्रिजी हेयर के लिए, लाइक ऐसे शैम्पू आपने यूज़ करने हैं मैंने कि उनके लिए। और कंडीशनर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कंडीशनर का काम ही होता है आपके बालों को मॉइस्चर देना, ठीक है, और क्यूटिकल को क्लोज करना। तो शैम्पू अच्छा से यूज़ करें, कंडीशनर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, लगा के उसको 20 मिनट ज़रूर छोड़ें, 20 मिनट, और फिंगर कॉम करके जितने आप टेंगल रिमूव कर सकते हैं उसको जितना आप टेंगल फ्री कर सकते हैं उतना कर लें फिंगर कॉम से, बिल्कुल बारीक कॉम से नहीं करना क्योंकि जब बाल गीला होता है तो वो टूटता काफ़ी है, तो उस समय आपने बिल्कुल उसको कॉम नहीं करना, आप फिंगर कॉम करके करिए उसको, ठीक है। तो ऐसे ही आपने उसको 20 मिनट रखना है और उसके बाद में जाके आप उसको रिंस आउट कर सकते हैं, तो आपका बाल कहीं उलझेगा भी नहीं, गोल गोल नहीं घुमाना, जस्ट डाउनवर्ड्स फिंगर कॉम, ठीक है, डाउनवर्ड्स फिंगर कॉम। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वॉश करना कैसे है, ठीक है, वो बहुत डिटेल में बनाया हुआ है। बाकी इसको खोले कैसे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कभी ऐसा होता है तो आप उसको कैसे ओपन कर सकते हैं। सो ये हमारा मैनिक्यून है और ये अभी थोड़ा सा मैंने इसको वैसे ओपन कर लिया है थोड़ा बहुत, लेकिन कई अभी भी ये रह चुका है, मैं थोड़ा सा आपको लोगों को क्लोज से दिखाना चाहूँगा इसको। सो ये है हमारा मैनिक्यून और आप देख सकते हैं, मैं आपको इसको जस्ट साइड से भी दिखा देता हूँ कि ये कितना उलझा हुआ है अभी, मीन्स सी ये इसके आप से बिल्कुल एक दूसरे से, अभी तो मैंने इसको काफ़ी ओपन कर लिया है बट ये कहीं से खुलने का नाम नहीं लेता, कई बार ये आपके साथ भी होता है, सी जैसे ये जकड़ गया है, बिल्कुल उलझ गए हैं यहाँ पे, तो ऐसे ये उलझ जाता है, बिल्कुल चिपक जाता है ये तो बिल्कुल, मैंने कहीं इसको थोड़ा ओपन कर लिया है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है, सो ये कहीं से खुलने का नाम नहीं लेता। सो अभी तो ये मैंने काफ़ी खोल दिया है बट इसका जो आपने थंबनेल देखा ये एग्जैक्टली वैसे था, मीन्स ये सारे बाल कुछ नहीं होते, सब जकड़ा हुआ होता है ऐसे, तो ये बिल्कुल यहाँ पे चिपका हुआ होता है। तो आपने क्या करना है, कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपने मैनिक्यून के किसी एक छोर से, किसी एक किनारे से, ठीक है, किसी भी एक कॉर्नर से आप स्टार्ट कर सकते हो कि आपने देखना है कि खुलने का रास्ता कहीं से भी, एक लॉन्ग हेयर हुआ ऐसे जहाँ से आप एजिस पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पे, तो आपने एक कॉर्नर से इसको खोलना स्टार्ट करना है, किसी भी एक कॉर्नर से आप स्टार्ट कर सकते हो। सपोज़ मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप सारे हेयर को, ये अभी उलझे हुए हैं काफ़ी, तो सेक्शन क्लिप ले लें और इसको यहाँ होल्ड कर लें, छोटा सा पोर्शन लें यहाँ से और इनको आपने यहाँ पे होल्ड कर लेना है। अब सबसे पहले आपने इस छोटे से सेक्शन को कॉम थ्रू करना है, तो आपने क्या करना है, फ्लैट ब्रश लेना है, ठीक है, और फ्लैट ब्रश से इसको आपने एजिस पॉइंट से स्टार्ट करना है। इस तरीके से हम इसको खोलना स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 आपने ऊपर की तरफ चलते चले जाना है, ठीक है। बाल टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा ज़रूर, बिकॉज ऑफ ऐसा उलझा हुआ है कि आप उसको दोबारा कभी यूज़ नहीं कर सकते, बट आप इसे प्रयास करेंगे तो आपका मैनिक्यून दोबारा से आप यूज़ कर सकते हैं और कई स्टाइलिंग आप उस पर दोबारा बना पाएंगे, ठीक है। उतने बाल नहीं टूटेंगे बट टूटेंगे ज़रूर थोड़ा बहुत क्या, काफ़ी टूटेंगे बिकॉज ऑफ काफ़ी उलझा हुआ होता है तो टूटते काफ़ी हैं। एंड देन नाउ इस पोर्शन से आपने जैसे आप खोलते हैं उसको छोड़े ना, उसको आपने ब्लो ड्राई कर लेना है, तो मैं इसको ब्लो ड्राई भी कर लेता हूँ साथ साथ। तो एजेस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे पहले, एंड पॉइंट से, ताकि ये दोबारा उलझे ना फिर। तो अभी हम फ्लैट ब्रश से ही बिल्कुल इसको स्ट्रेट कर रहे हैं, यहाँ से भी, इस पोर्शन से भी, फ्रंट पार्ट से भी। ओके, अब इस तरीके से आपने इसको स्ट्रेट कर लेना है। अब गाइज आप इसको अगर स्ट्रेट कर लेंगे तो ये फिर से इन बालों के साथ उलझेगा नहीं, तो इतने पोर्शन पे आपने काम कर लिया तो उसको आपने फिनिश कर लिया, अब ये दोबारा उलझेगा नहीं। अब मैं इस पॉइंट में कहीं से आपको ऐसा पार्ट दिखाता हूँ जहाँ से ये बिल्कुल खुलने के लायक ही नहीं है,
और हम उसे खोले कैसे, वो फ्लैट ब्रश से भी नहीं खुल सकता है। सपोज़ ये कोई पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये बिल्कुल उलझा हुआ है, तो इसको हम कैसे खोलें? आपने इसको फ्लैट ब्रश से भी नहीं खोल सकते हैं आप टेलकॉम का यूज़ करें। ये टेलकॉम है हमारा, इसका आपने यूज़ करना है। तो आपने बिल्कुल एजिस पॉइंट से ऐसे आपने इसको खोलना है, ये देखिए ऐसे बिल्कुल एक एक बाल को आपने रिमूव करना है, ठीक है। इस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लें, इनको एक दूसरे से अलग कर लें। बट ये टेलकॉम की इसी नीडल से ही होएगा, इसी से आप कर सकते हैं, प्लास्टिक वाले से नहीं, इससे करेंगे आप, ठीक है। और ऐसे आपने इसको धीरे धीरे करके अलग अलग आपने इनको डिवाइड कर लेना है। इससे क्या होएगा, ये इनकी उलझन खुल जाएगी, जितने भी ये अड़चने हैं तो ये सारे सेक्शन अलग अलग हो जाएंगे। सपोज़ ये भी है, ये यहाँ तक है बिल्कुल, तो इसको भी आप पहले अलग अलग कर लें इस तरीके से, सी यहाँ से भी इसको आपने बिल्कुल टेलकॉम से ही, ये केवल और केवल आपकी टेलकॉम से ही निकलेगा। इस तरीके से आप इनको ट्रायंगल फ्री कर सकते हैं, इनको रिमूव करें। बाल टूटेगा, ज़रूर टूटेगा, बट आपका मैनिक्योर ख़राब नहीं होएगा। मीन्स आप इसको उठा के फेंक दो, या आप बिल्कुल आपका सर दर्द हो जाए कि अब मैं क्या करूं। एक्चुअली काफ़ी कॉस्टली मैनिक्योर होती है, कई मैनिक्योर आपकी 15 से 20,000 25,000 की मैनिक्योर आती है, और उस मैनिक्योर के साथ में हो जाता है आपका फर्स्ट वॉश है सपोज, और फर्स्ट वॉश में ही आपके साथ में ऐसा कुछ हो जाता है तो वो काफ़ी बुरा होता है, अच्छा भी नहीं लगता। सो आप इसको ऐसे करके टेंगल फ्री करेंगे, ठीक है। घबराना नहीं है, समय लगेगा, हो सकता है आपको आप सुबह स्टार्ट करें और आपको शाम हो जाए इस पूरे हेयर को खोलते हुए, लेकिन वो शाम तक ईजिली खुल जाएगा आपका धीरे धीरे करके। आप किसी और की भी हेल्प ले सकते हो सेम टेक्निक के साथ में, आप उनको बोले कि इसको खोलना है, पर ध्यान से आराम से बंच नहीं लेना हेयर का, कोई सा भी पार्ट का आपने ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं लेना। ऐसे नहीं कि आपने पूरा बंच लिया और फ्लैट ब्रश से आप बिल्कुल उसको लाइक स्ट्रॉन्गली आप उसको ओपन कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना कि सपोज ये पूरा सेक्शन ले लिया और आप इस पर बिल्कुल लगे हैं ऐसे, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करना। बिल्कुल छोटा छोटा सेक्शन लें, सपोज़ मैं इसको कर रहा हूँ तो बिल्कुल एक पतला सा सेक्शन लूँगा नीचे से, जितने पे मैं ब्लो ड्राई कर सकता हूँ, बाल भी कम टूटेंगे। और जो उलझ रहे हैं उनको ना लें, ठीक है, जो ईजिली निकल रहा है सेक्शन उसको ग्रिप करें। ये इन हेयर को हम ओपन कर लेते हैं, अगेन फ्लैट ब्रश एजिस पॉइंट से फिर ऊपर की तरफ, यहाँ से भी स्लोली स्लोली, और रूट एरिया की तरफ चलेंगे हम, ज़बरदस्ती नहीं करना, स्लोली स्लोली आप इसको ओपन करेंगे सी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये खुलते चले जाएंगे आराम आराम से इस तरीके से। नाउ ब्लो ड्राई, इसको आपने ब्लो ड्राई कर लेना है। देखो बाल टूटेंगे ज़रूर, ये बाल है सी, ये सारे बाल टूट रहे हैं इसके, आप देख सकते हैं, ऐसे नहीं कि बाल नहीं टूट रहे हैं, ये बाल भी टूटेंगे आपके, बट इसको उठा के फेंकने से अच्छा है कि आप इसको ओपन करें। और आपकी मैनिक्योर आप कई बार यूज़ कर सकते हैं और आपको पता भी चल जाएगा कि इसको कैसे खोलना है। अगेन ब्लो ड्राई, पहले एजिस पॉइंट, धीरे धीरे ऊपर, इस पॉइंट से भी नीट करें, ऊपर से भी, अदर साइड से भी, यहाँ से भी। अब ये बाल स्ट्रेट हो गया है तो ये दोबारा उलझेगा नहीं, ठीक है। नाउ अगेन वुल टेक सेकेंड सेक्शन, यहाँ से हम दूसरा सेक्शन लेंगे, यहाँ से भी इसको हम ओपन कर लेते हैं, एंड इसको स्टील क्लिप से, सेक्शन क्लिप से आप होल्ड कर लें। नाउ बस छोटे छोटे सेक्शन के ऊपर काम करना है। नाउ इसको भी पहले एजिस पॉइंट से, एंड से बिल्कुल स्लोली स्लोली, बिल्कुल आराम आराम से आप इसको कॉम करें। सी ये ब्रश उलझ भी रहा है बिकॉज ऑफ यहाँ पे काफ़ी सारे बाल उलझे हुए हैं, बट आपने इसको धीरे धीरे करके ओपन करना है। यहाँ से भी आप कॉम थ्रू करें इसे, ओके, एंड नाउ ये खुल गया है। नाउ ब्लो ड्राई, पहले एजिस पॉइंट, धीरे धीरे हम ऊपर चलेंगे, इस साइड से भी, अदर साइड से भी,
यहाँ से भी। तो इस तरीके से आपने इसको खोलते चले जाना है और पतले पतले सेक्शन लेके आप इसको ब्लो ड्राई करते चले जाएंगे। नाउ अगेन टॉप से, अदर साइड से, रूट एरिया से इसको पूरा आपने खोल देना है। पूरे हेयर को टैंगल फ्री कर लेंगे। सेक्शन को पुल करें, हीट लगाएं, स्ट्रेट करें सभी डायरेक्शन से। नाव उस साइड से भी दोनों सेक्शन को एक साथ ले लिया है। ओके, सो इतना अभी हमने इसको खोल दिया है और ये हेयर हमारे स्ट्रेट हो गए हैं। नाउ सी, हेयर अभी भी टूट रहे हैं और अभी देखते हैं लास्ट तक करते करते ये कितना हेयर इसका टूटता है। सो नाउ यहाँ से बिल्कुल एक छोटा सा सेक्शन और लेंगे हम और इसको भी आपने ओपन कर लेना है। जितने सेक्शन आ रहे हैं, मीन्स जितने सेक्शन आपके हाथों में आ रहे हैं उतने सेक्शन को लें और ज़बरदस्ती नहीं, खींचना नहीं, प्रेशर नहीं देना ज़्यादा और इसको आपने होल्ड कर लेना है टॉप पॉइंट पे। ओके, अब सी आप ये देख लीजिए, जैसे कि ये शहर है ये नीचे नहीं आ रहा बिल्कुल, कितना उलझा हुआ है। तो इसको आप टेलकॉम से पहले अलग अलग करें। यहाँ पे ये छोटी सी नॉट बन गई है, इसको अलग करें। बिल्कुल आपने इसको खोल देना है पहले। नाउ टेलकॉम से इसको बिल्कुल अलग अलग करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, ऐसे खोलें इस छोटे छोटे नॉट्स जो हैं। बहुत बारीकी से आपको इसको टेंगल फ्री करना पड़ेगा, से इस तरीके से एक एक बाल को आप रिमूव करेंगे एंड देन हम इसको फ्लैट ब्रश करेंगे और इसको टेंगल फ्री करेंगे, फिर ब्लो ड्राई। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसको फिर नाव फ्लैट ब्रश एजिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है हमने। नाव धीरे धीरे ऊपर रूट एरिया की तरफ स्लोली यहाँ से भी नाव ब्लो ड्राई। ठीक है, पहले एजिस पॉइंट, यहाँ से भी, ओके, सो इस तरीके से आपने सारे हेयर को ओपन कर लेना है। ठीक है, सो ये तरीका रहेगा दोस्तों आपको इसको ओपन करने का। समय लगेगा आपको काफ़ी, बट ये सारे हेयर आपके ओपन हो जाएंगे। सो मैं एक सेक्शन और आपको ये करके दिखा रहा हूँ, बाकी जो है अब इसमें काफ़ी समय लगने वाला है। मुझे भी इसे खोलने में अराउंडली लगेंगे अभी, वैसे तो मैंने पहले खोला है इसको तो ये अभी तो थोड़ी बेहतर हालत में है, बट जब ये शुरुआत में थी तो इसका कोई ओर छोर नहीं था खोलने का। सो मुझे कम से कम इसमें पहले खोलने में 3 घंटे के आसपास लगे हैं और अभी भी इसमें जो डबल मैं इसमें वर्क कर रहा हूँ तो उसमें भी आपको अभी नाना करके 2 घंटे और लगने वाले हैं हमें इसमें। सो यहाँ से बिल्कुल आप थोड़ा थोड़ा करके ओपन करें क्योंकि हमें बाल चाहिए स्टाइलिंग के लिए, यानी कि हमने सारे तोड़ देने हैं। ठीक है, अलग अलग इनको डिवाइड करें टेल कॉम की टेल से, लाइक ऐसे इनको अलग अलग करें सी ऐसे। सो कुछ इस तरीके से आपने इनको अलग अलग डिवाइड कर लेना है। सो ये हमने टेंगल खोल लिए हैं। नाउ फ्लैट ब्रश एजिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3
स्लोली स्लोली जहाँ पे आपका ब्रश अटकता है वहाँ पे रुक जाएं, फिर नीचे से करें उसको, ऊपर नहीं चलना एकदम, नहीं तो क्या होएगा, क्योंकि वो खुला नहीं है, बाल टंगल फ्री नहीं हुए हैं तो ब्रश अटक जाता है। अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं तो सारे बाल फिर टूट जाते हैं, जो उलझे हुए बाल होते हैं वो टूट जाते हैं। नाउ ब्लू ड्राई एट दिस पॉइंट, पहले एंड एट दिस पॉइंट स्ट्रेट करेंगे ऊपर, स्लोली स्लोली आपने रूट एरिया की तरफ चलना है। इस पॉइंट से भी, अदर पॉइंट से भी, ओके। सो गाइज, इसी तरीके से हमने इस पूरे हेड को जो है ओपन करना है। सी देख लीजिए ये वाले हेयर, आप ऐसे ना सोचें कि बाल नहीं टूटेंगे, टूटेंगे बाल, लेकिन आपकी दम्मी जो है खुल जाएगी और आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। सो मैं इसको पूरा ब्लू ड्राई कर रहा हूँ एंड देन सी यहाँ से भी हम छोटे छोटे सेक्शन लेंगे और इसको ब्लू ड्राई करके पूरा ओपन कर लेंगे। इसको बहुत समय लगने वाला है, अभी हमने केवल इतना ही एरिया इसको ब्लू ड्राई किया है, अभी ये वाला पोर्शन इधर फ्रंट का है और ये वाला पार्ट भी है, तो इसमें समय लगेगा। तो मैं पहले इसको ब्लू ड्राई कर लेता हूँ, देन मैं आपको फाइनली लुक इसका दिखाता हूँ कि आफ्टर इसका लुक कैसे आया है। ओके सो गाइस, कुछ इस तरीके से आपने इसको ब्लू ड्राई करना है एंड देन आफ्टर दैट यू कैन डू आयरनिंग आल्सो। सो आपको थोड़ा आयरनिंग भी करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इतना बाल उलझने के बाद में, एंड उसको फिनिशिंग लुक देने के लिए आप पहले ब्लू ड्राई करें एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू डू आयरनिंग आल्सो। सो हमने इसमें ब्लू ड्राई एंड आयरनिंग दोनों करी हैं, देन नाउ यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट। ये अभी बिल्कुल एज अ न्यू मैनिक्योर की तरह जैसे आपने बाई करी थी पहले, लाइक वैसे ही है। एंड आई एम जस्ट शोइंग यू डेंसिटी ऑल्सो, ओके सो आई एम जस्ट शोइंग यू डेंसिटी ऑल्सो, यू कैन सी डेंसिटी इज रियली गुड, मीन्स हमने इसको ओपन किया है तो ऐसा नहीं है कि कहीं से लाइक स्पैचिनेस है, आपकी सेक्शनिंग प्रॉपर निकलेगी। और अगर बहुत ज़्यादा उलझी हुई है तो हो सकता है कहीं कहीं से थोड़े से बाल टूट जाएंगे, बट सी आपका पार्टीशन जहाँ से आप लेंगे एग्जैक्टली स्ट्रेट निकलेगा, कोई ज़्यादा हेयर आपका कहीं से डिस्कनेक्टिंग नहीं है, कहीं पे पैचनेस नहीं है कि आपका पूरा पैच निकल गया हो। सी फ्रॉम हेयर ऑल्सो एंड फ्रॉम द डाउन पार्ट ऑल्सो, सी लाइक हेयर स्ट्रेट पार्टिंग। सो कुछ इस तरीके से आपने अपनी मैनिक्योर को आराम से पेशेंसफुली आपने इसको रिमूव करना है, सारी बैक कॉमिंग को। घबराए ना, डेफिनेटली आप इसको कर पाएंगे और घबराने की ज़रूरत नहीं है। सी आप देख सकते हो, आप लोगों के सामने मैंने खुद मैनिक्योर को ओपन किया है। सो ओके गाइस, सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। कुछ इस तरीके से आपने इसको मैनिक्योर को मैनेज करना है, ओपन कर सकते हैं आप, बस आपने घबराना नहीं है, बस आप एक साइड से इसको ओपन करना स्टार्ट करेंगे एंड डेफिनेटली आप अपनी मैनिक्योर के दोबारा से आप रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से आप यूज़ कर सकते हैं। सी सो आप देख सकते हैं ये आपका आफ्टर रिजल्ट, और बिफोर आपने देखा ही था थंबनेल में। सो इस तरीके से आपका ये फाइनली लुक आपका आ जाएगा। सो कुछ इस तरीके से आपने इसको मेंटेन करना है एंड नाउ हम इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं अपनी हेयर स्टाइलिंग में।
और हाँ दोस्तों, इसमें बाल भी टूटेंगे ज़रूर। सो आई एम जस्ट वॉन्ट टू शो यू ऑल। सो ये इतने बाल इसके टूटे हैं, सो जो हमने इसको ओपन किया है। और इन बाल को आप संभाल के रखें, इन बालों की आप स्टफिंग आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इसको नेट से कवर करके एज अ स्टफ आप डोनट या स्टफिंग, लॉन्ग स्टफिंग कैसा भी आप इनको बना सकते हो, तो इसका भी आप यूज़ करें। सो गाइज, ये था हमारा आज का टॉपिक और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, जिन लोगों के पास में मैनिक्योर्स है, कैसे मैनेज करना है। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो सभी लोग जिनकी मैनिक्योर अभी ऐसी पड़ी हुई है कहीं कॉर्नर पे, कहीं कोने पे आपने रखी हुई है, उनको दोबारा से निकालें और ओपन करें और नया स्टार्टअप करें। सो ओके गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक एंड लेसन। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल, जो नोटिफिकेशन बेल होती है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो दोस्तों, आज के लेते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। दोस्तों, हम हर हफ्ते आप लोगों से हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स होते हैं, कोई सुझाव होते हैं, तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल, जो नोटिफिकेशन बेल होती है, जो घंटी होती है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, हमारा एकेडमी भी है दिल्ली में। अगर आप लोग पर्सनली ट्रेन होना चाहते हैं, मीन्स आप लोगों को प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्स करना है, तो हमारा दिल्ली में एकेडमी है। आप ऊपर दिए हुए नंबर पे, ये दो नंबर है 9650674581 और 8368949418, ये दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सअप मैसेज भी छोड़ सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो आप इन नंबर पर कॉल करके आप प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग कोर्सेज की डिटेल आप ले सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।